दुकानों में नहीं मिलता जी, ये बाहर से लाते हैं, वाघा बॉर्डर से लाते हैं, ये पहाड़ी से निकलता है। शुगर ज्यादा घटा है, बड़ा है, फायदा करेगा जी बीपी का, बीपी घटता बढ़ता। ये आप देख सकते हो इधर झोंपड़ियां बनी हुई है, कच्ची बस्ती है, हजार मिर्ची बड़ा और खाते फूल है, क्या बात। नहीं नहीं खाता था तो ज्यादा। नमस्कार, राम राम सा कमा गणी, मैं आपका भाई पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं दबंग आवाज़ पृथ्वीराज ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ में यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्रॉली है और इसके अंदर नमक है, वही काला नमक, सीधा नमक जो अपने घर में यूज होता है। अपने जोधपुर शहर में आपको जगह जगह पर इस प्रकार के ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए मिलेंगे रोड के किनारे पर। मेरे जहन में काफ़ी टाइम से ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं, ये नमक कहाँ से लाते हैं और ये नमक क्या शरीर के लिए फ़ायदेमंद करता है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो नमक बेचते हैं इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसे रहते हैं और किस प्रकार से इनका बिज़नेस है, वो सब चलता है। और वही बात अगर आपके दिमाग में भी इस प्रकार के सवाल आए होंगे तो आज का ये वीडियो आपके लिए, आपके सारे सवालों के इसमें जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ट्रॉली है जो दिखाता हूँ, एक ट्रैक्टर और ट्रॉली में इनका पूरा सेटअप रहता है। ऊपर इन्होंने एक तिरपाल लगा रखा है और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो तोलने के लिए इन्होंने वजन कांटा रखा रखा है, उसके साथ में ये है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और ये सीधा नमक है, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, जो व्रत वगैरह में खाने के लिए यूज लेते हैं। और इनके पास में एक ट्रैक्टर है और भाई साहब मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार से ये व्यवसाय कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट है जो बेचते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम क्या है, कहाँ से हो? रवि हूँ जी, बठिंडा जिला है जी। बठिंडा, पंजाब से हो? हाँ, पंजाब, बठिंडा से। पंजाब से हैं भाई और पंजाब से इतने दूर आकर अपने जोधपुर के अंदर ये नमक है जो बेचते हैं, तो आप इतना दूर आने का क्या कारण है? दूर बस जी, रोजी रोटी पेट लेता है भूखा। अच्छा, रोजी रोटी के लिए आना पड़ता है? आना पड़ता है, काम ही हमारा ये। तो आप क्या क्या जो आइटम है वो बेचते हो यहाँ पर? हम जी बेच रहे हैं काला नमक है हमारे पास जी, तो हमारे पास सेंधा नमक है, दो तरह के नमक है, पिसा भी मिल जाता है हमारे पास, पिसा वो मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो सिंपल नमक होता है खाने में डालते हैं वो रखते हो क्या? वो नहीं रखते जी, ये ज्यादा बिकता है हमारा, ये रॉक सॉल्ट है। अच्छा, रॉक सॉल्ट पहाड़ियों से आता है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये दुकानों पे मिलता है, आपके यहाँ पे मिलता है, क्या फर्क है उसमें? दुकानों में नहीं मिलता जी। नहीं मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, हम ये बाहर से लाते हैं, वाघा बॉर्डर से लाते हैं, गाड़ी आती है हमारी। हाँ, आता कहाँ से? वाघा बॉर्डर? वाघा बॉर्डर से आता है। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर है जो, तो पाकिस्तान में से आता है या भारत में से? और ये आता है भारत में, आता है वाघा बॉर्डर के पास। ये नमक कहाँ से निकलता है, कहाँ से? ये पहाड़ी से निकलता है। पहाड़ी से? हाँ। ऐसी जो सामान्य पहाड़ियाँ होती वहाँ से, या कोई नदी वदी निकलती वहाँ? नहीं नहीं, नदी नहीं निकल रही, पहाड़ी है वहाँ पे, पहाड़ी के अंदर से निकलती है, जेबीसी निकालती है। अच्छा। हाँ जी। काला नमक क्या काम आता है? काला काम जी, आप फ्रूट फार पर घेर ला, दही में घेर ला, तो लस्सी में घेर ला, तीन चीजा में काम आवे। तो जो सेंधो नमक है तो सब्जी सुब्जी बनावा आप, जिन्हें शुगर ज़्यादा घटा है बड़ा है, उनके लिए भी अच्छा है। अच्छा। हाँ, जिनके एक नमक खाने से बीपी की भी समस्या हो जाती है तो उसमें ये फायदा करेगा? हाँ, फायदा करेगा जी, बीपी का। अच्छा। बीपी घटता बढ़ता है जिनका। अच्छा, उसमें भी फायदा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सिंपल नमक की जगह ये नमक डाल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, भैया ने जैसा कि बताया कि आपके बीपी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये सेधा नमक है जो काम आता है, और एक व्रत होता है तो व्रत के लिए खिचड़ी बनाते हैं उसमें डालते हैं। हाँ, वही काम आता है। अच्छा, तो भाव क्या है आपके यहाँ पे जो काले नमक के, क्या भाव है? और इसके काले नमक के 50 रुपए किलो है जी। 50 रुपए किलो? हाँ जी। तो जो सेंधा नमक है उसका 40 रुपए किलो है। सिर्फ इतना सस्ता, 40 रुपए 50 रुपए किलो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हो यहाँ दुकानों पे आप 50 रुपए में दुकान पे तो काले नमक की एक छोटी सी पुड़ी देते हैं बस। हाँ जी, हाँ जी, हम किलो देते हैं जी 50 रुपए का। और यहाँ पर आपको पूरा एक किलो मिलेगा 50 रुपए में, और सीधा नमक है जो 40 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी। और आका मिलेगा वो भी पिसा हुआ, नहीं तो इसमें मिलावट के भी कोई संभावना नहीं? कोई मिलावट नहीं है, आपसे हाथों पीछो। अच्छा, आपके घरे जाकर पीस लो जी? घर जाकर पीस लो। हाँ। और कोई ऐसे कहे भाई मेरे घर पीसने की व्यवस्था नहीं है, पीस के दो? पीस के देते हैं। पीस के देते? हाँ जी, हाँ। कैसे पीसते, कैसे हो आप? हम हाथ से पीसते हैं 2 किलो। हाँ जी, हाँ जी। कुंडे कूट कूट के? हाँ जी, हाँ जी। कूट को? आपका रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार बस चल रहा है, रोजी पाटी बन रहा है, रोटी पानी बनती है। मतलब दिन का कितना किलो नमक बिक जाता है? बिक जाता है 20-30 किलो जी। तो हो जाता है खर्चा पानी का? खर्चा पानी बन जाता है, 200-400 रुपये बन जाता है। तो आपने ये ट्रैक्टर और ये ऐसा जुगाड़ कहाँ से तैयार करना सीखा? ये पंजाब से ट्रॉली करी है तैयार जी। हाँ जी, हाँ जी। ये पंजाबी ट्रॉली है? हाँ जी, हाँ जी, पंजाबी ट्रॉली। और रहते कहाँ पे हो? रहते हम यहीं पे, झुग्गी में रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं, पीछे इनका जो मैदान में रहते हो?
ये आप देख सकते हो इधर झोंपड़ियाँ बनी हुई है, कच्ची बस्ती है जो अपने अशोक उद्यान के साइड में इधर पास में, और वहाँ पे ये लोग रहते हैं। यहाँ रहने के लिए कोई मन्नत नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अभी ठंडी वगैरह इतनी पड़ रही है तो कोई रहने में तकलीफ नहीं? अंदर ही होती, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अंदर सो जाते? हाँ जी, हाँ जी। खाना आना इधर बाहर बना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जोधपुर वाले लोग आपके पास में आते हैं तो उनका कैसा प्रेम मिलता है? हाँ, बढ़िया लगता है जी। बढ़िया लगता है? बढ़िया लगता है। लोग आपसे नमक वगैरह खरीद के लेके जाते हैं, वापस भी आते होंगे? हाँ, आते आते हैं जी। जो तो आप एक जगह पर कितने दिनों तक रुकते हो? हम रुकते हैं जी एक महीना। एक महीना? हाँ जी, एक महीना यहाँ रुको, फिर और कहीं? हाँ, अगले चौक पर चले जाएँ। तो जगह जगह पर ये जो ट्रॉली वाले लगा के खड़े हैं, ये आपके साइड के ही हैं या और दूसरी साइड के भी? नहीं नहीं, हमारी साइड के ही हैं। आपकी साइड के? हाँ जी, हाँ जी। पंजाब से आने वाले ये लोग कौन सा गाँव है? गाँव बठिंडा जिला है जी, बठिंडा बलूणा गाँव है हमारा। वहाँ से ट्रैक्टर कौन सा है आपके पास? आशियार है जी, 90 मॉडल है। इतना पुराना है? 90 मॉडल? हाँ जी, हाँ जी। 32 साल पुराना? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 26 साल जी। इनकी उम्र है 26 साल और इनके ट्रैक्टर की उम्र 32 साल। बराबर चलता है? बराबर बराबर। बढ़िया बढ़िया। और क्या कहना चाहते हो आप? बस जी, बढ़िया चल रहा है धंधा, बस बढ़िया, मजा आ रहा है। हाँ जी। तो भाई आप देख सकते हो, खुश रहने वाला आदमी होना चाहिए। आप खुश हो मतलब? हाँ जी, हाँ जी, खुश है। खुश रहने वाला आदमी होना चाहिए, वो किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। आप देख सकते हो इनके पास में ये नमक है, और नमक इस प्रकार का बेचते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। उसके साथ साथ में इनका ट्रैक्टर है, वो भी पुराना, मैं दिखा देता हूँ एक बार किस प्रकार का ट्रैक्टर ये रखते हैं। ये देखिए भाई, इनके ट्रैक्टर भी थोड़े स्पेशल होते हैं, अपने यहाँ जोधपुर वालों के जैसे नहीं है। ये देखिए, ऐसे ट्रैक्टर है पुराना, और ये बता रहे हैं कि 90 मॉडल है। 90 मॉडल यानी आज से लगभग 32 साल पुराना ये ट्रैक्टर, और इसी ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने लगा दी ट्रॉली। ट्रॉली के अंदर देखिए बिस्तर लगा हुआ है एक तो पूरा, तो यहाँ पर सो भी जाते हैं अंदर। और बाकी इनका व्यवसाय है नमक का, वो तो है जो यहाँ पर चल ही रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो, जिसके बारे में हमने आपको बताई है हेल्थी नमक के बारे में, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी लाभदायक है। और आप भी रोड किनारे इन लोगों को देखते हुए तो इनके पास में से नमक वगैरह ज़रूर ख़रीदा करें, ताकि ये भी गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, इनकी भी मदद हो जाएगी और आपको भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ नमक ख़रीदने के लिए रुके हैं। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो? नागोरी गेट। नमक ले जाओगे क्या? ले जाने के लिए तो रुके हैं। क्या काम आता है? खाने में, सब्जी में डालने के लिए। सब्जी में तो वो थैली वाला डालते हैं। ये अवकाश होता है जब सीधा नमक डालते हैं ना। अच्छा, उपवास के लिए? जोधपुर वाले उपवास ज्यादा करते हैं, फिर भी 1000 मिर्ची बड़ा और खाते फूल है, क्या बात? नहीं नहीं, खाता था हट हो जाता। हट हो जाता भाई जी, थकोड़ा है, हटा नहीं है, फिर भी हटो नमक ले जा रही हो। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे नमक बिकता है और लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं रोड किनारे। और कई नहीं कह रहे। और कैसा लगा आपको आज का हमारे वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।